स्वागत है। राजनाथ जी स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। राजनाथ जी स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। राजनाथ जी स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। राजनाथ जी स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। राजनाथ जी स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। राजनाथ जी स्वागत है। जिंदाबाद। जय श्री राम। राजनाथ सिंह जिंदाबाद। और निवर्तमान जिलाध्यक्ष श्री अवधेश जी श्रीवास्तव, फिर नीरज कठिया, श्रीमती राजरानी रावत जिला पंचायत अध्यक्ष, और आपके विधायक और वर्तमान विधानसभा चुनाव में आपके प्रत्याशी श्री तरत कुमार जी अवस्थी, श्री संजय तिवारी, श्री राजकुमार यादव, श्री रविकांत जी पांडे, श्री राम सजीवन सिंह, श्रीमती लक्की सिंह, श्री कैलाश भक्त सिंह, श्री बद्री विशाल त्रिपाठी, श्री रामचरण पाठक, श्री नन्नू सिंह, श्री नीरज दास, श्री हर्षित वर्मा, और मंच पर विराजित हमारे परम पूज्य जगत गुरु परमहंस आचार्य जी। आज सुना है कि बुढ़वल चीनी मिल बंद है, और हमारे मुख्यमंत्री, मुझे बताया गया कि योगी आदित्यनाथ जी ने यह कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो बुढ़वल चीनी मिल को चलाएंगे। मालूम है ना, घोषणा किया है उन्होंने। और यदि कहीं पर कोई बाधा पैदा हो तो शरद अवशी जी से मैं कहूंगा कि आप मेरे पास आ जाइएगा, मैं सीधे मुख्यमंत्री से मैं बात करूंगा। यदि आपने घोषणा किया है तो यह वादा पूरा होना चाहिए। तो चलें, अरे साथ हो जाओ, अब चलें अब, अरे तब क्या करेंगे, चले भैया पीछे के लोग, बहुत आप चले इधर, अरे कुछ लाए हैं, कुछ गुड़ उड़ पानी होने कुछ लाए। अच्छा शरद जी देखिए, जनता तो आपको जिता रही है, पक्का। देखिए चुनाव जीतने के बाद जब कभी मैं लखनऊ आऊं, क्योंकि लखनऊ से ही मैं सांसद हूं, जब कभी मैं लखनऊ आऊं एक आध बार मुझे यहां जरूर लेके शरद अवस्थी जी आइएगा, यह आपके जिम्मे है। मैं चलता हूं। अगर शरद अवस्थी, भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगाया जा सकता है, केवल भाषण देकर भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता है, बल्कि व्यवस्था में परिवर्तन लाकर ही भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है। अब यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करके दिखाया, इसलिए मैं आप सभी लोगों से भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्थन मांगने आया हूं। दास चरण अवस्थी को जिता देंगे पक्का।